हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और यहाँ है हमारे साथ में हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च हुई हीरो की मैवरिक। ये गाड़ी आपको 440 सीसी में देखने को मिलेगी और काफी ज्यादा स्पोर्टी ये बाइक होने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बाइक के अंदर आपको क्या कुछ डिटेल्स देखने मिलेंगे और क्या कुछ फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। उन सारी चीजों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस। तो इस बाइक में आपको क्या कुछ मिलने वाला है उस चीज़ों के बारे में अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले बात करूं मैं इसके फ्रंट ओवरव्यू की, तो यहां पर आपको फ्रंट व्यू काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप के साथ में आपको हाई बीम लो बीम सेटअप लाइट मिलेगी। और वहीं बात करी जाए इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स LED देखने मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने मिलेंगे। फ्रंट का लुक और फ्रंट का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और यूनिक निकल के आता है। बाकी यहाँ देखोगे मेटल में ये सारे पार्ट वगैरह प्रोवाइड होंगे। बाकी बात करिए इसके व्हील्स की, तो यहाँ आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी टायर साइज की अगर बात की जाए, तो फ्रंट में भी टायर साइज आपको काफी अच्छा देखने में मिलेगा, अराउंड 110 साइज का यहां पर आपको टायर देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात करूं इंजन की, तो यहां इंजन जो है वो आपको सेम ही वही हार्ले डेविडसन वाला देखने के मिलेगा। 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल BS6 फेज 2 इंजन जो कि एयर प्लस ऑयल कूल्ड देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पर बात की जाए पावर फिगर की, तो ये गाड़ी आपको 27 PS की पावर एंड 36 Nm का टॉर्क देती है। 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये गाड़ी देखने के लिए मिलने वाली है। और यहां अगर बात करूं फ्यूल टैंक की, 12-13 लीटर इसमें आपको फ्यूल टैंक देख मिलेगा। और यहाँ पर आपको मैवरिक 440 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपको काउल्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आते हैं। और यहाँ देखोगे यहाँ पर आपको टॉर्क की बैजिंग देखने की मिलती है, जो कि है इसका जो टॉर्क है ना वो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आता है इसका टॉर्क, इसलिए यहाँ पर आपको टॉर्क की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी साइड प्रोफाइल और साइड लुक्स की अगर बात करी जाए, तो काफी ज्यादा साइड बढ़िया निकल के आते हैं। और रेयर की सस्पेंशन की अगर बात करी जाए, तो स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी देख लीजिए कुछ इस तरीके का लुक्स निकल के आता है। बाकी बात करिए रेयर टायर की, तो यहाँ आपको रेयर का जो टायर है वो काफी अच्छे सेक्शन का टायर देखने मिल जाए। 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर, डायमंड कट अलॉय व्हील देखने मिलेगा। और ओपन चैन ड्राइव यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी बात करूं रेयर के लाइट की, तो यहाँ आपको फुल LED सेटअप के साथ में रेयर टेल लाइट देखने मिल जाती है। और यहाँ अगर देखोगे इंडिकेटर जो है वो प्रॉपर LED मिलेंगे। बाकी यहाँ पर आपको मैवरिक वगैरह की काफी सारी बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर देखोगे एग्जॉस्ट, तो यहाँ एग्जॉस्ट जो है वो काफी कॉम्पैक्ट साइज का निकल के आता है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। डुअल चैनल ABS के साथ में ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिलने वाली है भारतीय बाजार में। बाकी यहाँ देखोगे फ्रंट का जो डिस्क साइज है वो काफी ज्यादा बढ़िया निकल के और काफी ज्यादा बड़ा निकल के आता है। बाकी अभी साइज का कोई रिवीलेंस नहीं है, बट अभी तक जो मुझे साइज लग रहा है वो अराउंड 320 mm इसका फ्रंट का डिस्क साइज लग रहा है। बाकी फ्रंट के टायर के साइज अगर मैं बताऊं, तो 110/70 17 इंच के एलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेगी। बाकी रेयर के टायर की बात करी जाए, तो रेयर का टायर 150/60 साइज का देखने को मिल जाता है रेयर का टायर। बाकी यहाँ बात करूं मैं सीट की, तो यहाँ सीट की जो कुशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, मेन राइडर पिलियन राइडर के लिए दोनों के लिए ही काफी अच्छा कंफर्ट निकल के आएगा। और यहाँ देखोगे जो ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी रेयर से फ्रंट तक का अगर मैं व्यू देखूँ, तो वो और ही ज़्यादा अच्छा निकल के आता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। हैंडल बार देखोगे तो हैंडल बार काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल के आएगा। हैंडल के यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट भी देखने को मिल जाती है। और सेल्फ और इंजन के स्विच सेम बटन में देखने मिलेगा, नीचे SOS बटन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बैजिंग यहाँ पर साथ में मिलेगी। एक फुल डिजिटल कंसोल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक डिस्प्ले मिलेगी और कुछ इंडिकेशंस वगैरह ब्लिंकर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी यहाँ मिरर देखोगे, मिरर क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। बाकी नॉर्मल से मैं फीचर्स दिखा दूँ आपको, तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके का फीचर्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।